सो हे गाइस, दिस इज श्याम एंड यू वॉचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम एक और होम थिएटर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और ये होम थिएटर आप में से किसी ने मंगवाया है, ठीक है। तो उनका भी मतलब ये वीडियो के थ्रू उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ ही मैं आपको अनबॉक्सिंग करके ये होम थिएटर दिखा दूंगा। गैस सेम ये वैसा ही होम थिएटर है जो कि हमने पहले वाली वीडियो में अनबॉक्स किया था, लेकिन थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन चेंज है इसका। सो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, बाकी डिटेल मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी। और गाइज़ यहाँ पर हमारा सेकेंड चैनल है जहाँ पर मैं अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ। सो आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो जल्दी से जा करके उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात गाइज, यहाँ पे अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो आप जल्दी से जा करके वहाँ पे फॉलो और मैसेज जरूर कर देना। सो गाइज, चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो हमारा होम थिएटर है वो कैसा है। तो यहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए एक कटर का यूज़ करूँगा, और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपके पास ले आता हूँ। सो नाउ इट इज़ गुड। सो गाइस चलिए अब अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रिबन है उसको कट कर लेते हैं, और मुझे उन्हें भेजना भी है जिन्होंने ये मंगाया है। सो पहले मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर है कैसा होम थिएटर हमारा। सो वी आर रेडी फॉर दिस, लेट्स व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स। तो चलिए देखते हैं कैसा होम थिएटर है, उससे लुक चेंज है गाइस इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और आपको भी अगर कुछ लेना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉड नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। सो सबसे पहले जो इसके अंदर मिलेगा हमें वो मिलेगा थर्माकोल, जिससे कि जो हमारा होम थिएटर है उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो चलिए इसे निकालते हैं थर्माकोल को अपने। नाउ फी मैंने उल्टा खोल दिया इस होम थिएटर को, सीधा हिस्सा वो था। चलिए कोई बात नहीं, हम उल्टा ही उठा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो नाउ वी हैव टू होम थिएटर इन दिस। सो चलिए एक एक करके दोनों को निकालते हैं। सो सबसे पहले पहला निकालते हैं, निकल जा। सो लेट्स, भारी है, अगर मैंने एक निकाला तो एक पलट जाएगा, एक निकाला तो एक पलट जाएगा, क्या करूं। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ी सी। ओ मैंने, सो गाइस यहाँ पे मैंने एक होम थिएटर को निकाल लिया है, और इसको जो है मैं जल्दी से नीचे रखता हूँ। सो ये हमारा ना गिर जाए, इसका मेरे को डर लग रहा है। सो इसको मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, और इसको एक मिनट, देख रहे हो अकेले वीडियो बनाने में ये होता है। सो ये हमारा फर्स्ट, मतलब ये खाली वाला है, ठीक है। जो सेकंड चैनल होता है वो है, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। सो नाउ वी हैव वन मोर। तो चलिए इसको भी निकालते हैं, ये थोड़ा भारी है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। वो तो हल्का था लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी भारी है गाइस। सो चलिए ये भी हमारा निकल गया, और इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और इसका भी रैपर मैं हटा लेता हूँ। सो इस तरह पर भी हटा लिया, अब इसको रखता हूँ मैं साइड में, ठीक है। और जल्दी से होम थिएटर को रखता हूँ सामने, और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये दोनों हमारे पेयर हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह हैं, लेकिन जो इसका नोब है वो थोड़ा अलग है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसको भी मैं एक बार आप लोगों को सही से दिखा देता हूँ, आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। सो गाइज़ ये हमारा मेन नहीं है, ये जो सेकंड है वो है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बूफर मिलेगा 8 इंच का, ठीक है। और गाइज़ ये हल्का है लेकिन ये भारी है, ठीक है। और गाइज़ इसके अंदर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको एक ट्विटर है, दोनों में एक ही ट्विटर लगे हुए हैं,
ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको एक ही के अंदर तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। टैप करोगे बेस, टैप करोगे ट्रेबल और ऐसे करोगे तो वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मोड मिल जाएंगे जो भी सिलेक्टेड बटन से, यहाँ पे पेन ड्राइव से आप कनेक्ट कर सकते हो। और बैक में आप लोगों को दिखाऊँ मैं तो गाइस बैक में भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए बैक में आपको यहाँ पे एक आपको स्पीकर के लिए इसके लिए मिलेगा, ठीक है। एक स्विच मिलेगा, एक इनपुट, ठीक है, ऑडियो वीडियो सॉरी ऑडियो के लिए, और यहाँ पे एक माइक के लिए। ये हीट सिंक है जो कि आईसी को हीट होने से बचाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ भी साइड में एक बूफर है बस, और ये मेन केबल है। सो गाइज इसका भी साउंड टेस्ट करते हैं, देखते हैं सेम उसी की तरह है या थोड़ा अलग है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्योंकि ये मेरे घर पर है अभी, और मैं आपको फुल साउंड टेस्ट करा के दिखाऊंगा। उस दिन मैंने अच्छे से साउंड टेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन अभी मैं पूरा अच्छे से साउंड टेस्ट करवाऊंगा आप लोगों को। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, ठीक है। सो गाइज इसका जो ये है मेन वायर, ठीक है, इससे मैं लगाने जा रहा हूँ मेन एसी करंट में। सो नाउ आई हैव पुट इट दिस। सो गाइज ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया है, और मैं आपको इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। और गाइज इसके साथ आपको एक रिमोट भी मिलता है जो कि ये रहा, मैं आपको दिखाना भूल गया था। तो चलिए इसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर सॉन्ग प्ले करते हैं अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो में फुल साउंड टेस्ट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सो ये देखिए ये रहा फ़ोन, और गाइस थोड़े जूते वूते दिख रहे हैं तो बुरा मत मानना यार, बस अकेले वीडियो बनाता हूँ बस इस वजह से ये सारी चीज़ें। सो गाइस यहाँ पे फेयर होने वाला है इससे। सो गाइस ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी इसका जो वॉल्यूम है उसको कम ज़्यादा करके देखें तो फुल है वॉल्यूम, देखिए 50 दिख रहा होगा आप लोगों को, तो वॉल्यूम फुल है। टैप करते हैं, बेस भी 9 है, ठीक है, ट्रेबल भी 9 है, मतलब सारी चीज़ें फुल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। तो चलिए एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, कोई सा भी बेस वाला सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर सॉन्ग प्ले करते हैं एक बार, ठीक है। सो लेट्स प्ले द सॉन्ग। ये वो सॉन्ग नहीं है जो मैं प्ले करता हूँ। सुनाई दे रही है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने इस वाले टावर को कनेक्ट नहीं किया है, सिंगल टावर है हमारा। तो अभी क्या करते हैं हम इस वाले सेकंड वाला जो हमारा टावर है इसे भी कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। और गाइस यहाँ पे आप ईयरफोन का ज़रूर यूज़ करना, ठीक है, तभी जा करके आपको बेस और इसके साउंड का अच्छे से पता लग पाएगा। सो नाउ आई हैव टू पुट हेयर। सो गाइस मैंने कनेक्ट कर लिया है इस वाले को भी, सो लेट्स प्ले। गाइस यहाँ पे दोनों तरफ से बेस आ रहा है, देखिए मैं आपको एक इसके थ्रू मैं दिखाता हूँ, ठीक है।
गाइस अगर मैं इसकी बेस की बात करूँ तो बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस यहाँ पे अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा साउंड है, ठीक है, घर में आप आराम से पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइस इससे अच्छा हम बना भी सकते हैं अगर हम थोड़े से और पैसे एक्स्ट्रा खर्च करें। लेकिन गाइस लुक जो हम ख़रीदा हुआ होम थिएटर लेते हैं उसका लुक काफ़ी अलग होता है हमारे बनाए हुए से, वो अच्छा दिखता है जो ख़रीदा हुआ होता है। लेकिन ये हमसे किसी ने मंगवाया था, सेम बोला था जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी, सेम वैसा ही उन्हें होम थिएटर चाहिए था। सो मैंने बोला ठीक है आपको मिल जाएगा, आपको पेमेंट वेमेंट करनी होगी। सो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ तो काफ़ी बार उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा अगर आपको चाहिए तभी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने पेमेंट की, सारी चीज़ें हुई, तो उनके लिए फाइनली ये आ गया है और ये निकल जाएगा मेरे यहाँ से। तो साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप नॉर्मली घर में यूज़ करना चाहते हो पार्टी वार्टी के लिए तो घर में आप आराम से यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इतना ही था आज की इस वीडियो में। और गाइस कहीं ना कहीं वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती है जो मुझसे भी होती है, सो उन सारी चीज़ों को आप मुझे बता देना क्या क्या गलती हुई कमेंट के अंदर, सो मैं आगे इम्प्रूव करूँगा उसे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। सो गाइस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।